इस समाज को डूबने से बचाने के लिए। जय गुरु महाराज, जय संत सुरमाल, जय आदिवासी। थोड़ा सा पीछे वो थोड़ा भाई आगे आ जाओ, थोड़ा बोलना अच्छा रहेगा। पीछे वाले भाई थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आप भी आगे आ जाओ। पास में रहोगे तो आगे आ जाओ, थोड़ा उधर बैठे वो भी भाई आ जाओ, थोड़ा ठीक रहेगा। आ जाओ भाई पंडाल में बैठो। आप सब आज संत गोविंद गुरु महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में छाणी मंगरी पधारे और हम लोग स्थानीय गांव के निवासी होने की वजह से आप सबका शुक्रिया स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर विभिन्न गांवों से अभी 4 से 5 जिलों के भाई यानी अभी राजसमंद के भाई भी यहाँ पर हैं। पहली बार हमारे साथ राजसमंद कुंभलगढ़ से भी भाई यहाँ पर आए हैं, यह अपने लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे भाइयों, हमारा आज का जो कार्यक्रम में 2-3 बातें बीच में आ गई जिसकी वजह से आज हमारी संख्या थोड़ी कम है। आज जनजाति आयोग से बड़े अधिकारी पधारे हैं, उनको ज्ञापन देने के लिए पूरे हर ब्लॉक की टीम वहां गई हुई है और हमारे दूसरे साथी कुछ दूसरे राज्यों में भी गए हैं। तो अभी यहाँ का जो जनजागरण का काम है वो हम लोगों को अपने हाथों में लेना चाहिए। बड़े लोग जो हमारे बड़े वक्ता बन गए हैं उनकी आशा अपेक्षा हमें कम रखनी चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है स्थानीय भाइयों ने संभाला और बखूबी बढ़िया संभाला, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत कम लोगों से कार्यक्रम हमने सुन किए थे, आज का कार्यक्रम उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा है और अच्छा है। और बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग एरिया से मौजूद है। एक जमाने में हम लोग केवल डूंगरपुर के लोग मनाते थे, आज 5 से 6 जिलों के यहाँ साथी उपलब्ध हैं, यह अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों, हम इंसान हैं और इंसान के अलावा इस धरती पर जानवर भी रहते हैं। जानवर और इंसान में खास 2 बड़ी बातों का अंतर होता है। जानवर को पेट के लिए पेट की खुराक चाहिए, जानवर को पेट की खुराक चाहिए। और जानवर के अलावा इस धरती पर वनस्पति भी होता है, यानी पेड़ पौधे, उनको भी अपनी उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए, बढ़ाव करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें वनस्पति को भी भोजन चाहिए और जानवर को भी भोजन चाहिए। लेकिन इंसान को पेट भरने के लिए भोजन तो चाहिए ही सही, यानी पेट की खुराक तो चाहिए ही सही, दिमाग की भी खुराक चाहिए। यह अंतर है मनुष्य और जानवर में। मनुष्य और जानवर में अंतर यह है कि जानवर को पेट की खुराक चाहिए और मनुष्य को पेट की खुराक के साथ साथ दिमाग की खुराक भी चाहिए, ये बात याद रखें। दूसरी बात, जानवर और इंसान में क्या अंतर है? तो जानवर के पास में सहज बुद्धि होती है और इंसान के पास में विवेक बुद्धि होती है। जानवरों के पास भी बुद्धि होती है लेकिन सहज बुद्धि होती है, और इंसान के पास में
विवेक बुद्धि होती है। तो जब से इंसान इस धरती पर पैदा हुआ, हम लोगों को एक बात सिखाई गई है कि अणी धरती माते सकल भी मनक है, सकल भी प्रकार का मनक है, ये एक जोड़ा थकी पैदा था जो है, यानी एक आदमी ने एक औरत थकी पैदा था जो है, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। पिछले आप 60-70 साल पहले की भी बात करो तो लोगों को ये बात पता नहीं थी कि ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। हम यहां बैठे हैं, उनके किसी भी दादा को ये बात पता नहीं था कि ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और गैलीलियो नाम का आदमी था, उसने पहली बार बोला, क्या बोला, कि ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो गैलीलियो ईसाई था, तो ईसाई धर्म गुरुओं ने वहां के राजा को कहा कि ये आदमी गलत बोल रहा है। तो वहां के राजा ने गैलीलियो को जेल में डाल दिया, इतने बड़े विद्वान आदमी को। और गैलीलियो की मृत्यु जेल में ही हुई, और बाद में पता लगा कि गैलीलियो ने सही कहा था, ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये बात समझो। तो सच बोलना कितना कठिन है इस धरती पर, कितना कठिन है सच बोलना। सबसे बड़ी बात है सच बोलना, और ये बात हम लोग कल परसों के बच्चे हैं। यहां पर संत गोविंद गुरु महाराज और भक्तों ने, भील भक्तों ने मिलकर के नेजा खड़ा किया, और नेजा खड़ा करने के तो समय कहा था, ऊसे तो नेस था है, नेसे ओस्था है। ये बात हांसी के राय गलत, हांसी बात है ना, आप सब जानो हो। अब ये बात भी आज कोने बोलवा बल्ले तैयार नहीं है, तो हमारे बाप दादा कहीं नहीं किया, ये बात भी बोलवा में हो तकलीफ है, मोरे बड़ाबा में हो तकलीफ है, ये बात समझना होगा। ये इसलिए भक्ति दो प्रकार की है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जो स्कूलों में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उसमें दो प्रकार की भक्ति बताई जाती है, एक तो सगुणी भक्ति और एक निर्गुणी भक्ति। याद रखो ये बात, एक सगुणी भक्ति और एक निर्गुणी भक्ति। सगुणी भक्ति में किसी महापुरुष की भक्ति करने की बात कहा जाता है, रामायण वाले महापुरुष और महाभारत वाले महापुरुष, उनकी भक्ति को सगुणी भक्ति कहते हैं। रामायण के महापुरुष और महाभारत के महापुरुष, उनकी भक्ति करना सगुणी भक्ति कहलाता है। और हमारे शरीर के बारे में अना जगत में अणि धरती माते किवी रीते आपने जीवा, किवी रीते आपने दाड़ो काढ़ा, किवी रीते आपने जिंदगी काढ़ा, इस शिक्षा वाली भक्ति है ये निर्गुणी के बारे। ये हिंदी लखवा वाले लोगों ने गलती की थी, जी ताजी भक्ति के ने निर्गुणी के जू, निर्गुणी का मतलब जना में कई गुण में है। संत गोविंदगर महाराज ने ये शरीर है, उस शरीर के बारे में भजन बताए, ये जगत में कैसे हम चले, इस जगत में हम कैसे जीवन जिए, उसके बारे में संत गोविंद गुरु महाराज ने बताया। तो हमारी भक्ति हिंदी के अनुसार कौन सी हुई, वो सभी संत नीची जाति के हैं, कोई भी ऊंची जाति का नहीं। आप कबीर महाराज को देखो, यहां पर भी धोनी कबीर महाराज की है। कबीर महाराज कहां पैदा हुए, बाबा रामदेव पीर को देखो, बाबा रामदेव पीर कहां पैदा हुए देख सकते हो, वो हमको इतिहास बताया बाबा रामदेव पीर का, वो गलत है, वो सच नहीं है।
उनके गुरु के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया, और जिस दिन जरूरत पड़ेगा मैं इनके गुरु की बात भी बताऊंगा। अभी समय है, इंतजार करें। वो कौन से कुल में पैदा हुए, यह भी बात हमको गलत बताई है। यानी हमारे महापुरुष जिन्होंने ये जो शरीर के बारे में और पूरी जिंदगी कैसे गुजारे, हम पूरे साल का चक्कर हमारा है पूरा, वो किस तरीके से हम जिए उसके अच्छे जीवन के लिए तो तरीके बताए। उन सभी महापुरुषों का इन लोगों ने या तो गुरु बदल दिया या मां बाप बदल दिए, ये लिखने वाले लोगों ने। इसके लिए एक बहुत बड़े आदमी सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने उन लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल किया कलम कसाई, जो कलम से हत्या करते, कलम से मर्डर करते, इसलिए उनको कलम कसाई कहा। ये मेरा शब्द नहीं है, आप ढूंढ सकते हो कलम कसाई किसने बोला था। तो हमारी भक्ति की जहां तक बात है, ये सगुणी और निर्गुणी भक्ति से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे भक्ति में एक बात आती है। एक तो खेमरियो कोटवार ने एक नगजी ब्राह्मण, ये बाबा रामदेव के चेले थे ऐसा कहते, तो गोविंद गुरु की जो भक्ति है वो खेमरिया कोटवार से आगे बढ़ती है ऐसा हमारे भगत लोग कहते। क्या ये बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, और भी पूछ लेना, और भी पूछ सकते हो। और उससे आगे बढ़ते हैं, बाबा रामदेव तक जाते हैं। बाबा रामदेव से आगे बढ़ते हो तो आपको नाथ संप्रदाय नजर आता है, नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा आचार्य गुरु गोरखनाथ था। गुरु गोरखनाथ, और वो भी कौन सी भक्ति के थे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ का इतिहास भी लोगों ने बदल दिया। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय, और इस संप्रदाय से आगे बढ़ते हो, इसका गोविंद गुरु की भक्ति में गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ का भी उल्लेख आता है। ये वचनों में पढ़ सकते हैं आप। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो वज्रयान, तंत्रयान, महायान, हीनयान, उससे भी आगे बढ़ते हो तो अंत में सबसे आगे पारिकुपार लिंगों का नाम आता है गुरु परंपरा में। आज से 10,000 साल पहले पारिकुपार लिंगों 37वें महादेव के टाइम में पैदा हुआ था। पानी देना भाई, ये झटका लगा होगा 440 का कि महादेव भी बड़ा अठना था क्या हो। 37वें महादेव के टाइम में पारिकुपार लिंगो पैदा हुआ, और 88वां महादेव है शंकर पार्वती। और 37वें महादेव के टाइम में पारिकुपार लिंगो पैदा हुआ, वहां से गुरु परंपरा चली हुई आ रही है। तो हम लोगों को पहला युग में कौन पहला राजा, दावा युग में कौन हरिशान, तीसरा युग में कौन जेठर, और चौथा युग में कौन बड़ीसन। ये बात बताई लेकिन पारिकुपार लिंगो वहां से गायब कर दिया। ये बात भी हमको समझना चाहिए। आपने ही बताया, ये कोटवार बैठे हुए पहला युग में कौन प्रहलाद राजा, तो प्रहलाद को बाप कौन हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप ते राक्षस है, तो प्रहलाद हते अपने पूज्य थी गयो भाई।
हिरण्यकश्यप का भाई कौन? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष होलिका ने आई कौन? कौन? दीदी। और उनका बाप कौन? कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है अदिति, उसके बच्चे कौन? इंद्र और विष्णु। बाप एक कश्यप, कश्यप का बेटा ही विष्णु है, कश्यप का बेटा ही इंद्र है और कश्यप का बेटा ही हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है। बाप एक, माए बहन ने 16 अलग अलग। तो संत गोविंद गुरु महाराज के जो भगत है उनको ये भक्ति के बारे में बताया, लेकिन उससे आगे की बात पारिकूपा लिंगो गायब नहीं बताया। ये बात जैसे आपको पता लगा तो हमने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद समाज में प्रचार करना शुरू किया। तो उससे आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो 88 शंभू की बात आती है। कितने शंभू? 88 शंभू। और लास्ट और अंतिम शंभु 88 का है वो शंकर पार्वती है। और शंकर पार्वती के टाइम में ही कली कंकाली, जिसको हम काली मां कहते हैं, वो भी थी। उसका इतिहास भी हमको जानना चाहिए। वो इतिहास भी गट्टे मट्टे कर दिया है, बिगाड़ दिया लोगों ने। जिसको हम महादेव कहते हैं उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, खाल है, बांग पीवालो है, गला में हाथ तरी नहीं जाए। और जो हमारी देवी है काली मां, उसके शरीर पर तो एक कपड़ा नहीं है। यह हमारे देवी देवताओं का कितना अपमान है, हमारे पूर्वजों का कितना अपमान है, यह बात हमको समझनी चाहिए। ये फोटो बनाने वाले लोगों ने कितनी गलती की है और खून पीते हुए बताया उसको, ये गलत इतिहास बताया। आदिवासी कौम अहिंसक कौम है, आदिवासियों ने पूरी दुनिया में कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कभी आक्रमण नहीं किया। और हमारी देवी, हमारा बाप है, उसको इस तरीके से बताया, ये बात हमको जाननी समझनी चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है, आगे की बात है। तो मैं बता रहा था कि 37वें शंभु के टाइम में पारिकूपा लिंगो पैदा हुआ, उसका इतिहास जानो, तब समझ में आएगा हम लोग अपनी जान में जान जोखिम में डाल करके, नौकरी जोखिम में डाल करके, बदनामी झेल करके इस गोविंद गुरु के आपका भक्ति को बचाने के लिए क्यों काम कर रहे हैं, यह बात आपको समझ में आएगा। तीन बीमारियां झेल रहा हूं मैं, आज मेरा ऑपरेशन भी हुआ, बोलने से डॉक्टरों ने मना कर रखा है, इसके बावजूद बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं यह बात समझनी चाहिए। अभी बासिया गुरु महाराज ने हमको बुलाया, 4 मीटिंग लगातार हुआ, बासिया गुरु महाराज ने हमको बुलाया, 4th मीटिंग में मेरे को बुलाया। ये भाई बैठे हुए यहां मीटिंग करने वाले, 4 मीटिंग। हमने पिछले साल सवाल खड़े किए थे यहां से, इसी बात को लेकर के गुरु महाराज ने हमको बुलाया। यही भाई बैठे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर मैं बासिया गया था तो हमारे भक्तों ने बोला, हमारे साथियों जो कर्मचारी भाई भी हैं उन्होंने बोला कि गुरु महाराज तमन हादी। मैं गया गुरु महाराज के पास और वहां गुरु महाराज ने हमको बहुत सारी बातें बताई, उनके अंदर की बात क्या आए हो था कि है तो बता दू। तो अमी कह दू गुरु महाराज आप बोलो तो कमलिस पड़ेगा, अमी बोलूंगा ऐसे की कोई थवा नहीं, अमी तो बोलूंगा साणी रही नहीं, बासिया आपको बोलना है। पर वो निर्णय लेने की क्षमता उनमें, मैं क्या कहना चाहूंगा इसके आगे डेस्ट कर देता हूं।
फिर किसी को बुरा लग जाएगा। चौथी मीटिंग के अंदर तीन चार बातें तय हुआ और इसके आधार पर इस साल का कार्यक्रम अपन सब मिलकर के बासिया में करते ये तय हुआ। और वो बात क्या थी वो आपको बताना चाहता हूं। एक बात तो ये थी आज जीवी मंच है एम गुरु महाराज नो अलग बैठक बने माना गुरु महाराज पूरा दिशा में मोड़ो करी ने बे है तो बीजा जटला भी आदमी आवे एक पश्चिम दिशा में मोड़ो करी ने बे है। गुरु महाराज नो मोड़ो यदि पूरब में रह तो बीजा आदमी जटला भी आवे एक पश्चिम दिशा में मोड़ो करी ने बे है यानी गुरु महाराज आड़े मोड़ो करी ने बे है। यदि गुरु महाराज पश्चिम दिशा आड़ी मोड़ो करी ने बे है तो बीजा सब आदमी पूरब दिशा आड़ी मोड़ो करी बे है यानी मतलब है गुरु महाराज आड़े है ता मोड़ो करी ने बे है। यदि इवी रीति बैठक व्यवस्था रहे तो गुरुकुण क्या है जी आपड़ा हा में जी बैठो है ई गुरु क्या है। आप लोग वासिया में गए होंगे तो गुरु महाराज से ठेलाई ठेलाई एक फड़ जाता रहे ने मंच माते कोण में है ई बात के दर धजी गुरु महाराज का मिसली गादी माते बिहारे ने उसी गादी माते कोण में है ई बात के दर धजी गुरु महाराज जी खुद के जी आई बोर्ड के ना लगावे ई बात थजी। और गुरु महाराज ने भक्तिनी बात नहीं करता है बीजी बीजी बात करे ई बात था जी। और सबसे मोटी बात आ कार्यक्रम करवा वाला गोविंद गुरु ना खाता ना आदमी नहीं ये बात हासी झूठी। गुरु महाराज ना खाता ना आदमी नहीं है ई वासिया में कार्यक्रम करे वनवासी कल्याण परिषद ने माध्यम थकी और गोविंद गुरु को गोविंद गुरु बनाने वाले बोणामली के लोग थे बेड़सा के लोग थे सुराता के लोग थे बासिया के लोग थे चारोली मेवड़ा के लोग थे पादरा के लोग थे पोपटली के लोग थे गुवेड़ के लोग थे आज का इलाका ना लोग था इनमें इनके अंदर कौन है ये बताओ मेरे को एक भी आदमी को नहीं रखा है। सभी गोविंद गुरु महाराज के भक्तों को एक तरफ करके गोविंद गुरु की भक्ति को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं और हम बोल भी नहीं रहे ये बहुत गंभीर समस्या है। ये हजारों साल से गोविंद गुरु की भक्ति जो चली आ रही थी यानी पारी कुपार लिंगों के जमाने से जो भक्ति चली आ रही है गोविंद गुरु तक आई उस भक्ति को नष्ट ना भूल करना चाहते हैं लोग। इसलिए आप लोगों को जानना होगा समझना होगा जागना होगा और बोलना सीखना होगा। ये चौथी मीटिंग में निर्णय हुआ कि बैठक व्यवस्था ऐसे रहेगी ऐसे संचालन करेंगे मेट कोटवालों की समिति बनी आयोजक समिति बनी संरक्षक समिति बनी टेंट कौन लगाएगा उसकी बात हुई खाना कौन खिलाएगा उसकी बात हुई सब होने के बाद में हमको कहा गया कि आप पेम्पलेट बनाओ। हमने पेम्पलेट बनाया और पेम्पलेट जारी किया फिर उन लोगों ने रविवार को मीटिंग किया और हमको राक्षस बोला हमको राक्षस बोला और वो भी गोविंद गुरु के खाते का आदमी नहीं था उसने हमको राक्षस बोला। क्या मैं गोविंद गुरु की भक्ति का विरासत का आदमी नहीं हूं क्या। गोविंद गुरु कांगुड़वा पहले आए कि छाणी पहले आए बताओ भक्तों। गोविंद गुरु कांगुड़वा दूरी पर पहले आए कि छाणी पर पहले आए कहां आए नहीं पता है तो और अच्छी तरह पता करना आसन धोनी से डायरेक्ट कांगुड़वा आए। उस समय गनीमा साथ में नहीं थे गनीमा साथ नहीं थे
और कांगुरवा हंगाज के घर पाठ किया। ये बात जाननी होगी, समझनी होगी। और उस पाठ किया वहां पर धूनी है, उसी का कोटवार है मेरा दादा। तो मैं क्या गोविंद गुरु की भक्ति का विरासत का आदमी नहीं हूं क्या? तभी तो हम बोल रहे हैं इस बात को। और इन लोगों ने हमको राक्षस कहा। ये किसका अपमान है? मेरा अपमान है? किसका अपमान है? ये सारे गोविंद गुरु के भक्तों का अपमान है, ऐसा मैं कहूंगा। वो गोविंद गुरु के खाते का आदमी नहीं है। उसने बोला, ये वीडियो भी आ जाता लेकिन सब फोन एक तरफ रखवा। हम किसी के साथ में लड़ाई नहीं करना चाहते, हम तो सच के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। हमारे देश में आज संविधान का कानून लागू है, संविधान लागू है, लोकतंत्र है। इसके बावजूद भी आदिवासियों को सच बोलने का अधिकार नहीं है। इससे ज्यादा गुलामी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? ये बात हमको जाननी समझनी होगी। ये कार्यक्रम को इतना आसान नहीं है, ये बारवा साल चल रहा है। और मैं यहां तक कहना चाहता हूं, यदि आने वाले साल बासिया की व्यवस्था नहीं बदली तो रात का कार्यक्रम भी यहां पर होगा, दिन और रात दोनों का कार्यक्रम होगा। चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, नौकरी क्यों नहीं चली जाए, हम किसी की परवाह करने वाले नहीं है। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के बलिदान, त्याग, खून, हमारे पूर्वजों को मारा, उसकी विरासत का मामला है। ये कोई इतनी आसान काम नहीं है। एक बार आप कहीं पर भी जाते हो, आप लोगों को ये तलब करते लोग, तो भाई कहता था कि हमारे हामो तलक आलवानो रिवाज है। कटल तलक थी एक बे तान चार, हाँ एक दोन ये कितने हो गए? पांच तलक। तमे पांच तलक मोरे वाला आदमी नहीं करो तो ये आदमी किन किन उम्र है? आज जुड़ी हुई बोरे हासी बात है, झूठी बात है। ने जी लोग गोविंद गुरु ना महाराज नो कार्यक्रम करे ई गेम के उबारे आए आज करी उबारे क्या है खड़ा खाता नहीं? जी गोविंद गुरु महाराज ना भगत है, इस जासम में नमन करे, तारे जासम माते दे, जासम माते फूट पेरे नहीं आवे। गोविंद महाराज ना भगत, गोविंद महाराज ना भगत कड़ा भी मांगलिक काम में, पूजा ना काम में उगाड़े डोकेने में है। गोवन महाराज ना भगत कड़ा भी मांगलिक काम में, सामाजिक काम में, धार्मिक काम में उगड़े मुड़े कार्य उगड़े डोके नहीं दे। और वो लोग माता माते कोई बात इसलिए बताओ आप, ये मैं जो कह रहा हूं गलत है तो बताओ। गोवन महाराज ना भगत गला में रुद्राक्ष आते, रुद्राक्ष रागवा तो कई थे, पर पहलो रुद्राक्ष कणे राखो तो कणे पेर जो तो कणे पेर आप जो तो ई समझवा जरूर है। ये आप मौका हणीस भक्ति में मर जाए मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, गोविंद महाराज ने बे लेसणिया, एक सफेद लेसणी ने एक लाल या हरी लेसणी आपने घर माते रहे। बात सही है गलत है?
और जो लोग यह कार्यक्रम कर रहे क्या इन्हें गैर बेलसनी ही बता, जो लोग ये गुरु महाराज के वहां कार्यक्रम कर रहे हमारी भक्ति कैसे हाईजैक हो रही है बता, कैसे हमारी भक्ति को खत्म कर रहे लोग ये बता रहा हूं मैं। हमारे घर के आगे बेलसनी रहे, एक सफेद निजो रहे, अणाम सूर्य चंद्रमा तारो रे, एक लाल या हरो रे, अणाम सूर्य चंद्रमा तारो रे। और जो लोग वहां कार्यक्रम कर रहे उनके घर के आगे लेसनी है क्या? वो लेसनी है तो कणा रंगनी है, वो लोग अणा निजानी मानता नहीं, वो तो भगवान ने जो मांगे भगवान ने जो फेरावे। आज जागो तमें वनवासी कल्याण परिषद के बोर्ड के पास में भगवा झंडा फहराएंगे, और भगवा झंडा भी उनका नहीं है, ये भी ध्यान रखो, ये भगवा झंडा भी बुद्धिज्म की निशानी है, इनका तो कुछ नहीं है, इन्होंने तो हाईजेक किया है, हाईजेक करके अपना बनाया है। ओरिजिनल भक्ति ना मालिक आदिवासी है, अनथकी ली लई लईने आप बनाती है, ये बात समझवानी जरूरत है। गोवन महाराज नी भक्ति नी लेसनी बे है, ये लेसनी हाए बेलाज भक्ति है गोवन महाराज नी, और जी लोग वे कार्यक्रम करे हैं ये बेलाज भक्ति ने मानता है, बेलाज भक्ति मानी ये अनु बेलु है नहीं है बेलाज भक्ति है तो बताइए, ये बात हमको समझनी जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात, पानी कुपार लिंगों से 88 संभूता, फिर गौतम बुद्ध वगैरह 78 संत हुए 100-200 साल के पीरियड में 78 संत, उनसे आगे हीनयान महायान तंत्रयान वज्रयान, फिर नाथ संप्रदाय, फिर बाबा रामदेव, फिर कबीर महाराज से, फिर संत मांझी महाराज, फिर संत सुरमाल महाराज, और अंत में गोविंद गुरु। ये भक्ति की निरंतरता करीब 10,000 साल से चली हुई आ रही है, और वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध किया है कि मनुष्य ने खेती करना 7,000 साल पहले शुरू किया। खेती करना कितने साल पहले शुरू किया? 7,000 साल पहले मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। तो खेती बाड़ी शुरू करने से पहले से ये भक्ति चली आ रही है, उस भक्ति की निरंतरता को जिंदा रखना है। पूरे देश में आदिवासी लोग आज अपनी धर्म परंपरा को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं, केंद्र में सरकार को अपना आदिवासी धर्म कोलम के लिए मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं मान रही है। जब गोविंद गुरु महाराज ये भक्ति चला रहे थे तब तुम्हारे बाप नो धर्म हो तो जनगणना रिकॉर्ड उखाड़ो, अभी जनगणना का रिकॉर्ड देखिए आप, हमारे पास वो भी दस्तावेज है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं मेरे को भी सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उन सबसे मेरा कर्मबद्ध निवेदन है कि जब गोविंद गुरु संत मांझी महाराज, संत सुरमाल खराड़ी महाराज, मांझी महाराज तो 1500 ईस्वी, संत सुरमाल खराड़ी महाराज और गोविंद गुरु जब ये भक्ति चलाते थे तब जनगणना का रिकॉर्ड तो उठाओ, उस रिकॉर्ड में तुम कौन सा धर्म में हो, ये आदिवासी लोग कौन सा धर्म में है ये भी देखो, तो आपको पता लगेगा आपका ट्राइबल रिलीजन है, आपका एनिमिस्ट रिलीजन है, आपका अबोरिजिनल रिलीजन है, आपका इंडिजिनस रिलीजन है। इसका मतलब क्या हुआ? वो लोग जो जीव में विश्वास करे ने जीव ने है अणा में विश्वास करे,
समझो ये बात, जो लोग जीव है अनंत विश्वास करे और जो जीव नहीं है उसमें विश्वास करते उनको कहते एनिमिस्ट। अर्थात आज रोकड़ो है अनंत जीव है, आज जनावर है अनंत जीव है, मनक है अनंत जीव है, ये जीव के बाद और निर्जीव कौन? निर्जीव कौन? आप पाणो है इनी पूजा करा अपने ई निर्जीव कहवा। आ नदी है इनी पूजा करा ई निर्जीव कहवा। आ डोंगरो है इनी पूजा करा ई निर्जीव कहवा। एवा अपना बाप दादा पूजा करता था, आज भी घना सारा इलाका में अपना देव रसायन जुई सको डोंगरा है बाबा देव है ना। आप मध्य प्रदेश में जाओ उदयपुर में भी बहुत सारा मिल जाएगा आपको। इनकी पूजा करते थे उनको एनिमिस्ट कहा। ये हमारा धर्म था। इन हरामखोरों ने देश आजाद होने के बाद हमारा धर्म कॉलम खत्म कर दिया और फिर हम पढ़ने गए तो हमारा नाम जबरदस्ती लिख दिया हिंदू। आज भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठाओगे तो उसके अंदर लिखा हुआ हिंदू कौन? जो वर्ण व्यवस्था माता है, जो जाति व्यवस्था माता है। जो लोग वर्ण व्यवस्था में आते हैं, जो लोग जाति व्यवस्था में आते हैं वो हिंदू कहलाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बोलती है, ये संविधान बोलता है, ये दस्तावेज बोलते हैं। हमारे भक्तों को तो पता ही नहीं है क्योंकि हम पैदा 60 साल पहले हुए, तब जब उन लोगों ने षड्यंत्र किया तब पैदा हुए। ये बात समझनी जरूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको भक्ति को अच्छे तरीके समझना है, धर्म को अच्छे तरीके समझना है, पूजा पद्धति को अच्छे तरीके समझना है। अपनी पूजा पद्धति में आदमी एकला पूजा नहीं कर सके। एक सूर्य दूजे बेलो दूजे। यदि ये भक्ति परंपरा गोविंद महाराज की भी भोपा है, ये गुरु महाराज ना सेना है भाई भोपा भोपा नीट है बिल्कुल। तो भोपा सही वन पूजा पाठ करें तो वन एक सूरी जुजे नहीं जुजे। इस बात को भी समझना होगा, ये बात भी समझना होगा। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है मेरे भाई। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हाँ, बैठक व्यवस्था की मैंने बात बताया था। ये बैठक व्यवस्था यदि बदलते हैं वो और पसे हमें होके जीतो के हेत तो मोरे गुरु महाराज रहेगा, अणा बहुत से पाठ रहेगा, अणा मोरे रहेगा कोतवाल ने, अणा बाद एमएलए आवे थे, एमपी आवे थे, बामण आवे थे, हरदार आवे थे, टीवी आवे थे, तमुली आवे, जीने आपू आवे ही बहे और पसे पाठ सीताए पसे कोटवाल उबा थई ने हेत ने तण वगत नमन करावी गाय। एवं थाउसे एवं थाएगा तो गुरु महाराज ना कटला सेला वधी सिंगा बामणे सेलो थई जाएगा, वाणियो सेलो थई जाएगा, हरदारे सेलो थई जाए, कलारे थई जाएगा, लोहार तो ऑलरेडी सेलो है, दर्जी ऑलरेडी सिलो है, बिल ऑलरेडी सिलो है। तो हमें गोविंद महाराज की भक्ति बढ़ाता नो काम करता था के कम करवा नहीं करता था। हमारे गोविंद महाराज ना सिला सब बड़ा भाई कार्य ना है पर नमन ते करोगे भाई तो उन्होंने बताया ये नमन नहीं करता। ये उनके मुंह से ही बात आई। इसके लिए हम लोग गए थे। ये कड़वी कड़वी बातें आपको बुरी लगी होगी मुझे विश्वास है। फिर भी मेरे भाइयों अभी आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा हुआ। अभी ठंड भी आ रही है और मार गैर हमेशा 20 दिसंबर ने नाड़ी नेजो बदले ते नेजो बदल वो है ने बेग भगत ने थोड़ो का खावानी व्यवस्था की भी है अटला है का अभी जो का नहीं बनेगा
धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी और दो मिनट बैठना। ये सच्ची बातें हमको समझना होगा, जानना होगा। यदि जानेंगे तो हम गोवर महाराज की भक्ति इतने त्याग बलिदान से लाए हैं हमारे पूर्वज, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। अभी आभार के लिए एक भाई आएगा, सबसे थोड़ा सा बैठना होगा। धन्यवाद भाइयों, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद।